हेलो, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कच्चे आम और प्याज का सलाद बनाने की रेसिपी। और ये सलाद बनाने के लिए हमें आम को इसी तरह चेक करके लेना है। ये बिल्कुल ही सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा ही आम हम यूज़ करेंगे। आज मैंने 200 ग्राम कच्चा आम लिया है और इसी तरह छिलके हटा के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और प्याज मैंने 150 ग्राम लिया है और प्याज को भी हमें इसी तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। और गुड़ मैंने 100 ग्राम लिया है और गुड़ को भी हमें इसी तरह बारीक टुकड़ों में काट लेना है ताकि जल्दी से ये पिघल जाए। और अब हमें ज़रूरत पड़ेगी एक बड़े बाउल की, जिसमें हम सारी चीज़ों को मिक्स कर पाए। तो सबसे पहले लेते हैं आधा बाउल बारीक कटा हुआ गुड़, एक बाउल बारीक कटे हुए कच्चे आम, और इसके बाद हम ऐड करेंगे बारीक कटी हुई प्याज। तो प्याज भी मैंने एक बाउल ही लिया है। जब भी हमें यह सलाद बनाना है तो पहले हम केरी को टेस्ट करेंगे। केरी अगर ज़्यादा खट्टी है तो थोड़ा सा गुड़ हमें ज़्यादा मिलाना है, और केरी थोड़ी सी कम खट्टी है यानी कि हल्की सी मीठी है तो गुड़ हमें थोड़ा कम मिलाना है। ये तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और नमक हमारे स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे। मैंने यहाँ नमक भी 1/2 टीस्पून ही ऐड किया है। धनिया जीरा पाउडर हमें 1 टीस्पून ऐड करना है, और भुना हुआ जीरा का पाउडर मैंने 1/2 टीस्पून ऐड किया है। और अब सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर ये सलाद का हम डेली यूज़ करते हैं तो गर्मी के सीज़न में लगने वाले सनस्ट्रोक के सामने हमें काफ़ी प्रोटेक्शन मिलता है। अगर ये सलाद हम इसी तरह से बनाते हैं तो हम पानी का बिल्कुल ही यूज़ नहीं करेंगे, और ये सलाद को हम बनाने के बाद 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। अब प्लेट से कवर करेंगे और करीब आधे घंटे के लिए ये बाउल को साइड में रखेंगे ताकि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। करीब आधे घंटे के बाद गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और गुड़ और नमक से बहुत सारा पानी भी इसमें आ जाएगा, और ये गुड़ और नमक के पानी के साथ हमारे सारे मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो अब हम ये जो गुड़ और नमक का पानी निकला है उसके साथ कच्ची केरी और प्याज को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अब हमारा ये कच्ची केरी और प्याज का खट्टा मीठा चटपटा सलाद यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो एक सर्विंग बाउल में ले लेते हैं। मेरी रेसिपीज आपको अच्छी लगती हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में दिए गए बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई रेसिपी आप तक पहुंच पाए। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, और तब तक के लिए बाय, कुक टेस्टी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।